पकवान लवर्स, आज मैं एक्सप्रेस में फिर से एक नई रेसिपी लाई हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो वेलकम टू माय चैनल द पकवान एक्सप्रेस। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने दो प्याज लिए हैं, मैं चॉपर में बारीक बारीक चॉप कर लूंगी। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ दो टमाटर, इन्हें भी मैं चॉपर में चॉप कर लूंगी। चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। आज की सब्जी के स्टार हमारी मूंग बड़ी, तो आज मैं आपको मूंग बड़ी की सब्जी बनाना बताऊंगी। ये मैंने यहाँ पर आधा कप से ज़्यादा ली हुई है। यहाँ पे मैंने दो आलू लिए हैं जिन्हें मैंने छील लिया है। बड़ी को हम सबसे पहले ऑयल में एक मिनट तक रेड होने तक फ्राई कर लेंगे। तो बड़ी हमारी फ्राई हो चुकी है, ये देखिए कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है। उसी सेम कुकर में मैंने डाला है ऑयल थोड़ा सा, गरम होने पर डाल चम्मच जीरा। फिर डाली है मैंने हींग, थोड़ी सी हल्दी। अब हम डालेंगे अपने चॉप्ड किए हुए अनियन, इसे मैंने एक मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद डाला है मैंने अपने चॉप्ड टमाटर। इसके बाद डाला है मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च। इसे अच्छे से भूनने देंगे। मसाला अगर तली में चिपके तो थोड़ा सा पानी भी आप डाल सकते हो। तो ये देखिए मसाले ने हमारे तेल छोड़ दिया है, यानी कि मसाला हमारा रेडी है। अब हम डालेंगे इसमें अपनी मूंग बड़ी। यहाँ पे डाले हैं फिर मैंने अपने चॉप्ड आलू। अगर आप नहीं जानते हैं कि मूंग बड़ी घर में कैसे लगाई जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी भी एक वीडियो शेयर कर दूँगी। एक हरी मिर्च डाली है मैंने, आधा चम्मच गरम मसाला, नमक डाला है मैंने, आप अपने अकॉर्डिंग इसे रख सकते हो। पानी डाला है मैंने यहाँ पर 2 कप, आप अपने अकॉर्डिंग पानी रख सकते हो। मैं ज़्यादा पतला भी नहीं बनाऊंगी क्योंकि ग्रेवी वाली मुझे गाढ़ी गाढ़ी बनानी है सब्जी। कुकर को हम कर लेते हैं कवर और अब इसे हमें पकाना है। इसके लिए आप 2 सीटी हाई फ्लेम पर लगाएं और 4 सीटी लो फ्लेम पर लगाएं क्योंकि बड़ी पकने में थोड़ा टाइम लेती हैं। तो ये रही हमारी बढ़िया टेस्टी मूंगड़ी की सब्जी, लग रही है ना कितनी मस्त। इसे सर्व किया है मैंने लौकी के रायते के साथ।
यहाँ पे चावल और थोड़ा सा प्याज के साथ में। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।